है ना, तू कुठे जा बांबू आना, तू तिकडून जा रे। सो गाइस, हम अब हम आए ऋतु पार्क में। यहाँ पे इंडियन रैट्स ने जो है फाइट में घुस गया है और बारिश का सीजन है, इसके वजह से देवेश्री गार्डन में है। तो बारिश के वजह से ऐसे वो सांप अंदर घुसा होगा। अब उसको निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे और सांप पूरी तरीके से नॉन वेनमस स्नेक है। अब देखते हैं, अब आगे देखो वीडियो की कैसे हम उसको निकालते हैं। बाबू है इधर, हाँ। गाड़ी है ना, मजे गाड़ी कड़ा लगे का गाड़ी ना मुले साहेबांना फोन कर लगे। हालचाल चेक कर टाकू ना, इकड़ टाकू ना, मला हालचाल चेक करू द्या, इकड़ बघायला लागेल। थांबा जरा टाका बांबू, गाडी का टाका बांबू, टाका बांबू, हळू हळू घ्या, हळू ढकल्या पुढे, हळू ढकल, जोरात नका हळू, हळू घ्या। अरे बाप रे, खाली खाली। सो गाइस, ये है इंडियन रैट स्नेक। आपने जैसे देखा कि पकड़ा पकड़ी हो गई यहाँ पे, तो उसको अभी बहुत ही लंबा सांप है और बारिश की वजह से वो अंदर घुस गया। तो इसको जल्दी से पैक कर देंगे। थैंक यू, वेलकम। सो और कैसे जानकारी नहीं होने के कारण से कोई नॉन वेनमस स्नेक है ना, नॉन वेनमस स्नेक नहीं, धामन है। मी धामी तुम्हारा सांगतो या सापाविषयी। हा इंडियन रॅट स्नेक, मराठी मध्ये धामन म्हणता, आणि पूर्णपणे बिनविषारी साप आहे। पण साप ब्रश करत नाही, कारण ते जर्म्स आतमध्ये अडकतात, उंदरं खातात, ते चावल्यानंतर काही जम आपल्या रक्तात पण जाऊ शकतात अशा वेळी। त्याच्यामुळे आपल्या टिटीचे इंजेक्शन भाग जे आम्ही पकडतो साप, तेवढंच म्हणजे त्याच्या तोंडावर काळ्या उभ्या पट्ट्या, दोन्ही ओठांवर बघा काळे उभे पट्टे बघा, आणि शेपटीवर जाळीदार नक्षी, त्याचं ओळख तशी आहे। कारण ही सेम टू सेम नागासारखी दिसते, कोबरासारखी दिसते, त्याच्यामुळे दामन बिनी थैंक यू पराग शिंदे। हा पराग शिंदे आहे, फोन केल्यावर 5 मिनिटात इथे उपलब्ध झाला तो। आपण मी नाही सांगू शकत की अजून नसेल इकडे। चल यो, थैंक यू, थैंक यू। आपले साहेब आपल्या घरी। अरे याचं ॲक्च्युली या सापाविषयी ना काही प्रॉब्लेम नाही कोणाला, पण हा साप मोठा असल्याकारणाने लोक राहतात। तुम्ही असं वाटतं गुदगुल्या करताय, त्याला आदमी डोकं, पण मास्क लावा। गाइस क्या हाल है, सब कुछ ठीक और सब कुछ अच्छा होगा, होप सो। अब जैसे आपने देखा कि रैट्स ने को जैसे रेस्क्यू हुआ, भागम दौड़ी करना पड़ा, थोड़ा जजमेंट गलत हुआ मेरा, बाकी कुछ नहीं। मैंने सोचा बहुत अलग था और हुआ कुछ अलग, पर उसको मैंने भागम दौड़ी करके पकड़ ही लिया, रेस्क्यू कर ही लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते थे और वहाँ पे सोसाइटी था, तो फिर इतना बड़ा सांप देखेंगे तो वो डर ही जाएंगे बेचारे। तो फिर उसको रेस्क्यू करके अभी हम जंगल, नज़दीकी जंगल में छोड़ने आए हैं। नॉन वेनमस होने के कारण से ये उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, पर सांप बड़ा होने के वजह से लोग डर जाते हैं। और हम अभी उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा रात हो गई है, थोड़ा अंधेरा है, अब छोड़ देंगे इसको। देखो आप अगली वीडियो में, यहाँ से छोड़ रहा हूँ, आगे जाएगी शायद से।
जिस प्रकार आपने देखा ये रैट स्नेक गई है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उसको रिलीज़ किया है मैंने, और वो यहाँ पे जंगल में अभी बहुत ही खूब अच्छे से रह लेगी। और वैसे और मैं हूँ आपका पराग शिंदे, आप देख रहे हैं स्नेक हंटर पराग शिंदे यूट्यूब चैनल। और आगे आप तो पता ही है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर इन्फॉर्मेशन के लिए करना, जिसके वजह से और इन्फॉर्मेशन दूर तक जाए और सांपों से इंसान मरने से बचे और इंसान को सांपों से मारने को बचाओ, याद रखो। और एनिमल से प्यार करो और नेचर की रिस्पेक्ट करो। और यहाँ से मुझे जल्दी भागना होगा क्योंकि मच्छरों का अटैक हो चुका है मेरे ऊपर और मुझे बहुत ही मच्छर नीचे काट रहे, वैसे भी मुझे जल्दी भागना होगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड खुश रहो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू।